इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं फर्स्ट आपको बता रही हूँ ये वीडियो क्लिप। मैं चिकन का भिंडी का शेरवा बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्टी टेस्टी होता, खट्टा खट्टा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाइए, चटपटा खट्टा अच्छा होता। यहाँ देखिए, आधा किलो चिकन लेके अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, और यहाँ पर दो टमाटर लेके ऐसा स्लाइसों में कट कर लीजिए। ये तीन मीडियम साइज़ की अनियन है, इसको भी कट कर लीजिए। और ये तीन से दो से तीन हरी मिर्च है, ग्रीन चिली, इसको रख लीजिए। ये हरा धनिया पुदीना है फ्रोज़न, ये फ्रोज़न मेरे पास भिंडी है। देखिए, आप अपने हिसाब से 250 ग्राम आधा किलो जितनी चाहे ले सकते, क्वांटिटी कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मेथड और मसाले सेम है। यहाँ देखिए, एक चम्मच भर के अदरक लहसुन है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ देखिए ड्राई मसाले है। ये मसालों में से मैं क्या क्या मसाले डालना है बताऊंगी। ये कुकिंग ऑयल है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल के रखी हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और यहाँ हम चिकन में गर्म पानी यूज़ करती ना मैं, तो उसके लिए आप गर्म पानी रखिए। चाहे मटन हो चिकन हो, गर्म पानी डालना बहुत जल्दी गल जाता, ठीक है ना। देखिए, चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो क्लिप में बताई थी कि हम आज चिकन का भिंडी का शेरवा बनाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी, खट्टा खट्टा अच्छा होता। आप लोग चाहे तो इसमें मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हो, आपके आप पे डिपेंड है कि नमक, मिर्च और ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा गुलाम रसूल को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, आमीन। कल 10 मुहर्रम है, दुआए आशुरा का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और दुआएं कीजिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम सब के लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह ताला। और मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, यानी कि ठीक है ना, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, फर्स्ट मैं क्या करेंगे, एक ही पॉट में एक ही कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी आपको। दो तीन बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। गैस फुल ऑन रखिए और एक कढ़ाई चढ़ाइए, या तो एक पॉट चढ़ाइए या तो कुकर चढ़ाइए, ठीक है ना। मैं कढ़ाई में अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल ली, मैं ये चम्मच से एक दो से ढाई चम्मच ली, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैं ये फ्रोजन भिंडी है मेरे पास, लेडीज फिंगर। इसको मैं क्या करती हूँ, जब भी लेके आती तो उसको वॉश करके कट करके अच्छा देख के इसको चेक करके एक बॉक्स में डाल के रखती हूँ। तो ये दो आदमी के हिसाब से मेरे लिए बराबर है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ये सब क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट हम इस पर भिंडी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं भिंडी पूरी फ्राई करके निकाल ली, मैं यहाँ फ्राई करके निकाली, साइड पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए घी ऑयल में ये मिर्च हटा के प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह है, प्याज को थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं, समझे ना, दो से चार मिनट तक। देखिए जी, अनियन प्याज है ना, सॉफ्ट हो गए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, बस लोग क्या करते पूरी हंडी बना के चढ़ा देते, शेरवा कुछ भी बनाना है, मटन का हो, चिकन का, भिंडी का, अरबी का, तो कच्ची प्याज की स्मेल आती है। तो कभी भी ऐसा प्याज को हमेशा फ्राई करके डालना। यहाँ एक चम्मच अदरक लहसुन है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये डाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर मसाले लेंगे हम, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं आधा चम्मच ले रही हूँ नमक, और मिर्च भी मैं देखिए एक चम्मच ले रही हूँ। ज़रा टेस्ट टेस्ट बनाइए, बहुत अच्छा टेस्टी होता। आधा चम्मच टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए वाइट, 1/2 टीस्पून व्हाइट क्यूमिन सीड्स है, ये सफ़ेद जीरा है ये आधा चम्मच, और यहाँ पर देखिए रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर है, भुना हुआ धनिया पाउडर है, ये एक चम्मच डाल देंगे हम। डाल के क्या करेंगे,
इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद देखिए आप यहाँ जो टमाटे है ना, ये टमाटे डाल देंगे बिस्मिल्लाह। ये टमाटे डाल के इसको अच्छी तरह भुनेंगे। सुने आप, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप ये हम ये भुनिए ना हम, इसके बाद क्या करना मालूम, टमाटे है ना जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, छिलके के साथ डाले को। सॉरी, देखिए यहाँ पर गर्म पानी है, साइड पर रखी थी मैं ये गर्म पानी, ये थोड़ा सा गर्म पानी डाले तो क्या होता, जो टमाटे के जो छिलके रहते ना बहुत जल्दी सॉफ्ट होते, और प्याज भी अच्छी सॉफ्ट हो जाती, जल्दी गल जाता, प्याज और टमाटे बहुत जल्दी गलते। आप ऐसा करिए हमेशा जो भी रेसिपी बनाते ना, मटन चिकन कलेजी जो भी है, आप गर्म पानी थोड़ा सा डालिए, बहुत जल्दी टेंडर हो जाती और सॉफ्ट होती, ठीक है ना। इसको एक 4-5 मिनट तक हम लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखेंगे। देखिए मैं टमाटे डाले बस, गर्म पानी डाले बस, टमाटे कैसे थे अब देखिए कैसे हो गए। अच्छा भुनी मैं इसको 5 से 7 मिनट तक भुनी। देखिए टमाटे भी नहीं दिख रहे हैं, प्याज के लच्छे भी नहीं दिख रहे हैं। अगर थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो आप क्या करिए, चम्मच से ऐसा ऐसा टैप टैप करके इसको खुला देंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, जो ये चिकन है ना, ये चिकन डालेंगे बिस्मिल्लाह। अब इसे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। उसके बाद हम चिकन को भी 1-2 मिनट तक ये प्याज में भून लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ फ्रोजन ये हरा धनिया पुदीना है, ये डाल दे रही मैं। और अभी मिर्ची नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे मिर्च। देखिए और मुहर्रम में जो जो बनाते ना रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप लोग देख के बना सकते। क्या है, मैं और मेरी बेटी रहते ना तो हमारे पास खाने वाले कोई भी नहीं, माशाल्लाह बच्चों की शादियाँ हो गए, सब अपने अपने घरों के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने भी मीठा नहीं खाते, मैं भी मीठा नहीं खाती, हम लोगों को परहेज है मीठे से, तो ज़्यादा हैवी खाना भी हम लोग नहीं खाते। सना तो शुरू से डाइटिंग डाइटिंग करते रहते और मैं भी डाइटिंग पे ही हूँ, अभी ये सालन भी ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, तो इसको 1-2 मिनट भून लेंगे। और देखिए हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मैं तो बोलती हूँ जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्याज कट करके उसको आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऐसा पैकेट आप बना के, डबल डोर का फ्रीज़र भी है तो आप फ्रीज़र में प्याज कट करके रख सकते हैं। देखिए मैं हर चीज़ कट करके धो के धुला के फ्रीज़र में रखती हूँ तो मेरे को कितना सहूलत हो जाती, आधे घंटे में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती। मैं खाली अभी आधे घंटे में बन के रेडी हो जाता, क्यों, इसीलिए कि मैं मसाले पहले से पीस के रेडी रख लेती। तो आप लोगों को मैं सब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बेसिक से बताई हूँ। ऐसा ऐसा करने से हमारा टाइम बहुत कम लगता हमको कुकिंग करने के लिए, तो आप लोग भी ऐसे ही सहूलत से आप लोग आराम उठाइए। काम क्या है, एक दिन का रहता लेकिन आराम महीने भर का रहता, ठीक है ना। चिकन अच्छी तरह भुने गया, ये देखिए गर्म पानी है 1 गिलास है, ये हम डाल देंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको, भिंडी डालना है ना, भिंडी हम क्या है फ्राई करें तो 50% गलती वो और बाकी की 50% रह जाती नहीं गलती। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भिंडी डाल देंगे फ्राई करी हुई भिंडी। बस लोग क्या करते कच्ची भिंडी डालते, कच्ची भिंडी नहीं डालना, जो भी है फ्राई करके डालना, आलू भिंडी अरवी बैंगन जो भी आप लोग शेरवा बना रहे हैं ना उसको फ्राई करके डालना, बहुत अच्छा टेस्टी भी होता और जल्दी भी गल जाते। देखिए माशाल्लाह से अब ये है सब क्या बोलते चिकन का भिंडी का शेरवा अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10 मिनट में रेडी हो जाता। अभी क्या करेंगे हम, आप लोग क्या करिए, मैं मिर्ची सना के तरफ से कम डालती हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा चटपटा बनाइए अच्छा होता, 2 चम्मच लेंगे मैं, 1 चम्मच लेना आप 2 लेंगे, ये हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम लो पे रखेंगे, चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाना। तो देखिए आप 12 मिनट तक रखेंगे, चलिए इंशाल्लाह 12 मिनट के बाद मिलेंगे। ये देखिए हर चीज़ रेडी रखने से अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में ये रेसिपी बन के रेडी हो गई, मैं खाना भी बना ली थोड़ा हमारे लिए। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देखिए भिंडी और चिकन, चिकन तो लाजमी है गलेगा ना, ये मटन थोड़ी है। और हम गर्म पानी डालना, देखिए आप ये देखिए ऐसा आराम से, अब भिंडी भी आराम से गल गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए भिंडी भी अच्छा गल गई। अभी इसको क्या करना, ये ऑयल आ गया ना ये, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ये हरा धनिया, देखिए हरा धनिया, पुदीना नहीं डालना खट्टे में कभी भी शेरवे में, अभी नहीं थे रोजी, आज सही भी दो तीन दिन के बाद आई मैं किचन में, बोल के कन्फ्यूज़ हो जा रही मैं, बहुत सुधरा नहीं मेरे को। देखिए यहाँ पर थोड़ा नमक कम है, हम नमक डालेंगे, और क्या करिए स्टार्टिंग में नमक कम डालिए, क्योंकि हम जब रेसिपी पूरी रेडी हो जाती ना तो जब टेस्ट करके देखें तो मालूम होता कम है या कम है तो हम डाल ले सकते हैं। अगर आप एक शुरू स्टार्टिंग में ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर आपको कम करना मुश्किल होगा। अगर ज़्यादा नमक हो गया स्टार्टिंग में ग्रेवी में, कौन सी भी मटन हो चिकन हो, तो आप उसमें आलू डाल दीजिए दो चार आलू, तो नमक बराबर हो जाता, ठीक है ना। देखिए नमक बराबर है, अभी यहाँ पर मैं खट्टे के लिए, तो आप लोगों को मालूम है ना मैं ये लेमन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, मैं ऑप्शनल है, आप लोगों की मर्जी की बात है। देखिए लेमन सॉल्ट डाल देंगे, बहुत अच्छा होता खट्टा खट्टा टेस्टी। अब ईद के बाद तो चिकन फिश खाना चाह रहे लोग, इसीलिए मैं ये भिंडी का शेरवा बनाई। अगर आप लोगों के पास कबाब डाल लिए हैं आप लोग तो कबाब के साथ खाइए, बहुत अच्छा दिखता, या तो तलावा गोश्त अच्छा दिखता है इसके साथ, कॉम्बिनेशन है। देखिए हरा धनिया डाल देंगे इसमें, तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम रसोई में बेहतरीन, गैस ऑफ करी, बेहतरीन टेस्टी चिकन और भिंडी का शेरवा बन के रेडी। आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, तो हमें याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत करिए, ताकि आप लोगों को मालूम होना कि मैं कब क्या मसाला डाली और किस तरीके से मैं बनाई हूँ, ठीक है ना। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, मैं करीब से भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा टेस्टी बना, ऑयल भी बराबर है, मिर्च भी मेरे हिसाब से बराबर है। अगर आपको मिर्च कम लगती है तो आप, मैं एक चम्मच मिर्च डाली ना, आप दो चम्मच डाली, बहुत अच्छा होता टेस्टी, ठीक है ना। चलिए ज़रूर बनाइए, इसके साथ मटन फ्राई करिए या तो कबाब तल लीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टेस्टी दिखता।